नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं विकास टेकरे हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। लिपस्टिक प्राचीन वर्षों से ही महिलाओं की खूबसूरती को दुगने करती आ रही है, परंतु क्या आप जानते हैं कि लिपस्टिक भी अपना एक प्राचीन इतिहास रखती है? आखिर क्या है वो इतिहास, चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, आज से 5000 वर्ष पूर्व सुमेरन आदमी और महिलाएं रत्नों को पीसकर अपने होठों को सजाने के लिए उपयोग में लाती थी, और इजिप्ट की क्लियोपेट्रा अपने होठों को सजाने के लिए कीड़ों के रक्त का इस्तेमाल करती थी जिससे वे अपने होठों को लाल करती थी। और बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पर की महिलाएं गेरू का इस्तेमाल अपने होठों को सजाने के लिए करती थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि यह तो आजकल घरों की पुताई लिपाई में उपयोग किए जाते हैं, रत्नों को कैसे होठों में लगाते रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि उस समय अलग अलग इत्रों और अलग अलग तरीके से इन चीज़ों का इस तरह से मिश्रण किया जाता था कि इन्हें होठों में लगाया जा सके। अगर बात हमारे देश भारत की जाए, तो भारत में सिंधु सभ्यता के समय से ही लिपस्टिक का प्रचलन चला आ रहा है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लिपस्टिक के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि लिपस्टिक की उत्पत्ति कहां से हुई, तो यह हुई थी सिंधु मिस्र की सभ्यता से, क्योंकि मिस्र की सभ्यता में प्राचीन काल से ही लिपस्टिक के प्रमाण मिल रहे हैं, और प्राचीन काल में मिस्र के उच्च वर्ग के लोग लिपस्टिक का इस्तेमाल किया करते थे। दुनिया की पहली ठोस लिपस्टिक का आविष्कार अरब वैज्ञानिक अबुल कोसिस ने 9वीं ईस्वी में किया था। दुनिया की पहली व्यावसायिक लिपस्टिक का आविष्कार वर्ष 1884 में फ्रांस में किया गया था, और यह आविष्कार फ्रांस के पेरिस शहर के इत्र निर्माताओं द्वारा किया गया था। दोस्तों, 19वीं शताब्दी तक फ्रांस की एक गुरेलन नामक कॉस्मेटिक कंपनी का निर्माण हो चुका था, और यह दुनिया की शायद पहली लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी है, और इसी गुरेलन कंपनी की एक लिपस्टिक आज भी विश्व की सबसे महंगी लिपस्टिक बनी हुई है। दोस्तों, बस 1950 में विश्व की पहली ऐसी लिपस्टिक का आविष्कार किया गया जो लंबे समय तक टिक सके, और जिसका इस्तेमाल शायद आज हम लोग कर रहे हैं। माना जाता है कि इजिप्ट की वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं ज़्यादातर लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थी। इससे पहले इसके पीछे उनका मानना यह था कि इससे उनका सेक्स पार्टनर उनकी तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, बात करें ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म में लिपस्टिक पर पाबंदी थी, किंतु उस समय विश्व की दो प्रसिद्ध महिलाएं मरिलिन मनरो और एलिजाबेथ टेलर लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल किया करती थी, और इन्हीं की वजह से बोल्ड लिपस्टिक पूरी दुनिया में ज़्यादा प्रचलन में आई। बस 1952 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना लिपस्टिक का सेट बनाया जिसका नाम बारमोरल रखा गया, क्योंकि वे खुद भी लिपस्टिक की बेहद बड़ी शौकीन थी। और अगर बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म के स्वर्ण काल में इस्लाम के हकीम और जर्राह अबू अल कासिम अल बहरावी ने खुशबूदार बत्तियां बनाई जिनका उपयोग होठों को सजाने व खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, बात करें कि दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक वर्तमान समय में कौन सी है, तो वह है फ्रांस की गुरेलन कंपनी के द्वारा बनाई गई एक्सक्लूसिव किसकिस गोल्ड और डायमंड लिपस्टिक है। दोस्तों, इसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय रुपयों में इनकी कीमत है 42,61,557 रुपये, और इसकी इतनी बड़ी कीमत इसलिए है क्योंकि इसमें 199 हीरे जड़े हुए हैं, और यह 110 ग्राम सोने से बनी हुई है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भी लिपस्टिक के कई विरोधी लोग हैं, लेकिन आज भी महिलाओं की खूबसूरती में लिपस्टिक चांद चांद लगा रही है। लेकिन कुछ महिलाएं अपने चेहरे से खूबसूरत होती हैं, तो कुछ दिल से। अंत में एक महान कवि की बात दोहराने चाहूँगा, एक जुसेप्पे मेज़िनी ने कहा है कि महिलाओं को प्रेम और इज्जत दीजिए,
उन्हें प्रेरणा और शक्ति का स्रोत मानिए। यकीन करिए कि वे आपकी बौद्धिक और नैतिक शक्तियों को दोगुना कर देगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में भी महिलाओं के प्रति कहा गया है कि अत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जय हिंद।